हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे शेप्स की। अभी आपके सामने जो कागज़ है उस पे कौन सी शेप बनी हुई है? जी हाँ, ये है एक स्क्वायर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। स्क्वायर की चार बराबर साइड्स होती हैं। क्या आप इस शेप को पहचान रहे हैं? क्या ये स्क्वायर है? नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। इसका नाम है क्यूब। क्यूब को मैं हाथ पे पकड़ सकती हूँ, लेकिन स्क्वायर को मैं नहीं पकड़ सकती क्योंकि ये सिर्फ पेपर पे एक ड्राइंग है, जबकि क्यूब क्यूब पे छः स्क्वायर्स होते हैं जो उसके छः फेसेस कहलाए जाते हैं। अगर हमें क्यूब को पेपर पर बना के दिखाना हो तो हम उसे ऐसे दिखाएंगे। क्यूब को हम हिंदी में घन कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। क्या आप इस शेप को पहचान रहे हैं? क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं, इस शेप को हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड को पेपर पर हम ऐसे बनाते हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाव कहते हैं। हमारी अगली शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं। हम इसको हिंदी में त्रिकोण कहते हैं। क्या आप इस शेप को पहचान रहे हैं? क्या ये एक ट्रायंगल है? नहीं, ये एक कोन है। कोन को हम हिंदी में शंकु कहते हैं। शंकु को पेपर पर ऐसे बनाया जाता है। क्या आप ट्रायंगल और शंकु के बीच के अंतर को पहचान पा रहे हैं? शंकु को हम हाथ में पकड़कर देख सकते हैं, जबकि ट्रायंगल तो सिर्फ एक ड्राइंग है। अगली फिगर है सर्कल। सर्कल को हिंदी में हम वृत्त कहते हैं। क्या ये एक सर्कल है? क्या आप अपनी खेलने वाली बॉल को सर्कल कहते हो? नहीं, क्योंकि ये एक गोला है। गोले को हम इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। हमारी अगली शेप है बेलनाकार, जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। बेलनाकार कुछ इस तरीके का होता है। क्या अब आपको शेप्स के बीच का फ़र्क समझ आया? तो आप मुझे अपने घर में उन चीज़ों के ढूंढकर नाम बताइए जो इन शेप्स से मिलते हैं।